जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे सूफिज्म के बारे में। जिस आर्टिकल से मैंने ये नोट्स कंपाइल करे हैं सूफिज्म के, तो उस एक आर्टिकल का लिंक तो मैंने रेफरेंस आर्टिकल में दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, इस्लाम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद इस्लाम का ही एक्सोटेरिक एंड ईसोटेरिक थॉट दिया हुआ है। एक्सोटेरिक और ईसोटेरिक थॉट बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि अंदरूनी और बाहरी। तो अंदरूनी स्ट्रक्चर, अंदरूनी विचार क्या है, वो है इसोटेरिक डायमेंशन। और एक्सोटेरिक मतलब है बाहरी, बाहरी विचार क्या है, वो बाहर फिजिकल लेवल पे क्या चीज घट रहा है, कैसे घट रहा है, और अंदर किस तरीके से वो चीज हो रही है। तो जो इब्न अल अराबी हैं, जो ग्रेट सूफी मास्टर है, वो मानते हैं कि इस्लाम की चार लेयर्स है। सबसे पहली जो बाहरी लेयर है, दैट इज द एक्सोटेरिक लेयर, वो है शारिया। शारिया का मतलब है रोड, रास्ता। अब रास्ता जो है वो कच्ची सड़क पे पक्का रास्ता होता है ताकि हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। वैसी ही शारिया जो है वो कुछ रूल्स और गाइडलाइंस हैं जो एक इस्लाम फॉलोअर को, या फिर आप एक एवरेज मुस्लिम यानी कि एक आम मुस्लिम व्यक्ति को ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं ताकि वो एक रास्ते से दूसरे रास्ता, यानी कि एक सुपरफिशियल प्रेजेंस से एक मोर इंटरनल, मोर कॉस्मिक प्रेजेंस की तरफ जा सके। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है, हर लेयर और अंदर की तरफ जा रही है। ये आउटर लेयर है, तरीका जो है वो और अंदर की लेयर है, तो विच मीन्स अ पाथ। तो एक सड़क है और ये है एक पाथ। पाथ का मतलब है जैसे कि एक जंगल के अंदर, एक रेगिस्तान के अंदर एक छोटी सी ट्रेल मिल जाती है हमें, कि जंगल के अंदर हमें दिखेगा कि अच्छा एक छोटा सा कहीं पर रास्ता बन रहा है, पर वो सड़क नहीं है, वो एक रास्ता है। तो वो बेसिकली एक इट रिक्वायर्स अ प्री एस्टेब्लिश्ड एंड द एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ अ गाइड। तो जब हम कह रहे हैं कि फॉरेस्ट, एक जंगल के अंदर एक ट्रेल मिल रही है, एक रास्ता मिल रहा है, तो हमें ट्रेल तभी मिलती है ना जब एक दो लोग उस पर चले हुए होते हैं। तो तरीका के अंदर बेसिकली एक गाइड चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए, जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रोड से अब उस पाथ की तरफ लेके आ सके, मतलब और डीपर लेवल पे लेके जा सके। और थर्ड जो लेयर है, दैट इज ऑफ हायर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस कॉल्ड हकीकत, यानी कि ट्रूथ कॉन्शियसनेस। तो हकीकत बेसिकली एक स्टेबल और एक अनशेकेबल फेथ है कि एक पूरा का पूरा हायर कॉन्शियसनेस है जो ही सच्चाई है, बाकी सब कुछ जो है आसपास वो झूठ है। तो उस कॉन्शियसनेस की प्रेजेंस जो है वो थर्ड लेयर पे आती है। और जो सबसे इनर मोस्ट कोर है इस्लाम का, दैट इज मरीफा नॉसिस, विच रिफर्स टू द डायरेक्ट नॉलेज एंड लव ऑफ डिवाइन। तो जब हम पिछले वाली लेयर के अंदर हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं कि एक हायर कॉन्शियसनेस है और वो कॉन्शियसनेस ही सच्चाई है, तो जो नेक्स्ट लेयर है वो बेसिकली उस कॉन्शियसनेस तक पहुंचने का रास्ता है, थ्रू लव, थ्रू पीस, थ्रू इनर स्टेबिलिटी, बाय कॉन्करिंग दी इनर डीमंस। तो ये बेसिकली इन्होंने बताया है। उसके बाद अब आ जाते हैं सूफिज्म पे। ये थोड़ा सा जानना इसलिए जरूरी है, अभी हमने जो इस्लाम के बारे में जाना, क्योंकि यही इस्लाम की गाइडलाइंस एक रास्ता, एक जरिया बनाती है सूफिज्म को समझने का। जैसे हमने अभी इस्लाम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे ईसोटेरिक और एक्सोटेरिक के अंदर, तो बाहरी वाली की हमने बात करी, अब अंदरूनी वाली जो है, तो सूफिज्म वो अंदरूनी वाली चीज है, वो रास्ता है जो उस हायर कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाता है। वो आप थोड़ा सा देख सकते हैं, जो सूफिज्म आया है वो बेसिकली सूफी शब्द से आया है, जो सूफी शब्द आया है सूफ से। सूफ बेसिकली वो वुलन गारमेंट है जो सूफीज, शुरू के सूफीज जो थे वो पहना करते थे। एक सफ़ेद रंग का लिहाफ, लंबा लिहाफ आप देख सकते हैं। अगर आपने अकबर मूवी देखी है तो अकबर में आप देख सकते हैं जो गाना है कुन फाया कुन, उसमें आप देख सकते हैं वो लंबी साफ़ी पहनी हुई है, उन्होंने एक सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ है, एंड दे आर डांसिंग इन दैट रिदम। तो वही चीज़ सूफी या सूफ वो कपड़ा कहलाता है जिससे सूफिज्म शब्द आया है। तो थोड़ा सा सूफीज के बारे में है। उसके बाद हल्की सी बात है यहाँ पे जो करी गई है, वो करी गई है नक्शाबंदी, जो कि एक सूफी ऑर्डर है जो सेंट्रल एशिया, कुर्दिस्तान और इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में काफ़ी पॉपुलर हुआ।
उसके बाद चिश्ती ऑर्डर आया विच वॉज फाउंडेड इन इंडिया बाय ख्वाजा मुइन अलुद्दीन हसन चिश्ती, जिन्होंने जो आप बेसिकली कह सकते हैं कि सूफिज्म को इंडिया के अंदर काफ़ी पॉपुलराइज करा। उसके बाद सूफिज्म यूरोप और अमेरिका में भी गया, जिसके अंदर हज़रत इनायत खान साहब ने इस ऑर्डर को वहाँ पे इस्टेब्लिश करा। तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं तो इसके अंदर हल्की सी डेवलपमेंट वाले सेक्शन की ही बात करी गई है। अब हम बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ सूफी साइकोलॉजी। तो सूफी साइकोलॉजी के एसेंशियल्स के लिए हम बात करेंगे नफ्स, हार्ट एंड सूल। तो सूफिज्म ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू सीक्रेट साइकोलॉजी विद द अल्टीमेट एम ऑफ सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो सूफिज्म वो एक प्रैक्टिकल तरीका है, वो अप्रोच है जिसके अंदर हम जो अल्टीमेट हमारा एम है यानी कि सेल्फ नॉलेज और सेल्फ एक्सेप्टेंस, इसकी तरफ हम पहुंच सके। आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं सेम चीज को, थोड़ा सा और इलैबोरेटिव और बेहतर शब्दों में बताया गया है। उसके बाद एक टर्म आती है साइको स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, जो इस बात की महत्वता को सामने रखता है कि किस तरीके से साइकोलॉजिकल डायमेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है इन अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद अगेन जो हम जिस टॉपिक का नाम था दैट इज नफ्स, गल्ब एंड रूह, यानी कि सेल्फ, नफ्स मतलब सेल्फ, गल्ब मतलब हार्ट एंड रूह मतलब सोल। तो इन चीजों के बारे में बेहतर तरीके से इसके अंदर दिया हुआ है, आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग जो है इसकी, वो बेसिकली हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में जब आपने शब्द सुने होंगे जो उससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होगी, कुछ वैसी ही अंडरस्टैंडिंग बट और डीपर लेवल पे है। वही चीज यहाँ पे जैसे कि आप इंडियन साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ईगो। तो अगर ईगो डोमिनेट कर लेती है, या फिर आप सिंपल तरीके से कहना चाहे इड ईगो सुपर ईगो, तो अगर इड सबसे ज्यादा कंट्रोल कर लेती है यानी कि जो ग्रेटिफाइंग प्रिंसिपल है सबसे ज्यादा कंट्रोल ले लेती है, तो जो बच्चा है वो सोसाइटी से बहुत ज्यादा डिविएट हो जाता है क्योंकि वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के ऊपर आ जाता है। वैसे ही नफ्स, सेल्फ, यानी कि अगर हमारा सेल्फ हमारे हार्ट को डोमिनेट कर ले, यानी कि जो नफ्स सेक्शन है, तो आप ये देखिए नफ्स, हार्ट और रूह, ये बेसिकली एक पाई चार्ट में तीन सेक्शन है, तो जिसका होंगे तीनों की तीनों प्रेजेंस, लेकिन सबका प्रोपोर्शन होगा। अगर सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन नफ्स का है, सेल्फ का है, सो द हार्ट बिकम्स डार्कन्ड एंड वीकन्ड एंड इनइफेक्टिव। इफ द फोर्सेस ऑफ द सोल, यानी कि अगर सोल का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, टेक्स ओवर द हार्ट, इट बिकम्स ट्रांसपेरेंट एंड इल्यूम्ड। तो ये बेसिकली प्रोपोर्शन वाली बात मैंने इसलिए कही ताकि हम इजी तरीके से समझ जाएं कि ये बेसिकली लेवल्स में एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर रूह नहीं होगी या किसी के अंदर गल्ब नहीं होगा या नफ्स नहीं होगा, सब है, लेकिन इनके लेवल्स थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे होते हैं। नफ्स इज सिंपली द इक्विवेलेंट ऑफ द इंग्लिश वर्ड सेल्फ। इट इज ऑफन बीन ट्रांसलेटेड एज ईगो और लोअर सेल्फ, जो कि नफ्स शब्द अपने आप में जो सेल्फ की बात करता है उससे थोड़े से डिफरेंट है ईगो और लोअर ईगो, लोअर सेल्फ। लेकिन अगर हम देखना चाहें तो हाँ, नफ्स एक इक्विवेलेंट वर्ड आ जाता है सेल्फ के। यहाँ पे जो दिया है ये बेसिकली सूफिज्म में सेवन प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस दिया है एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेशंस ऑफ सेल्फ, हार्ट एंड सोल, यानी कि स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का लेवल दिया गया है। सबसे पहला जो लेवल है वो दिया हुआ है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब है कि वो जो सांस नहीं ले रहे हैं, जो जी नहीं रहे हैं, जिसके अंदर वाइटल कॉम्पोनेंट नहीं है, जिंदगी का कॉम्पोनेंट नहीं है, दैट इज उनको सेल्फ में मिनरल कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है जब इनऑर्गेनिक के साथ थोड़ा सा वाइटल कंपोनेंट आ जाता है, जैसे कि वेजिटेबल्स, ट्रीज, तो इनके अंदर जीविका है। हम मानते हैं, हम कहते हैं ना, पेट जिंदा है, जीते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस का जो मतलब है वो है वाइटल। तो वाइटल और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का यहाँ पे सेल्फ में उस चीज को कहा जाता है वेजिटेबल, नफ्स अल नबाती। उसके बाद थर्ड जो लेवल आता है स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो जो कॉन्शियसनेस है उसका लेवल और ज्यादा अवेयर हो रहा है, तो थर्ड लेवल पे आ गया। अब क्या है, इनऑर्गेनिक और वाइटल के साथ में एक थर्ड कंपोनेंट आ गया है मेंटल, यानी कि मानसिक क्षमताएं हैं, मतलब एनिमल्स। थर्ड चीज आ गई, अब मेंटल के साथ साथ रैशनल भी है,
अब वो डिसाइड कर सकते हैं सही क्या है, गलत क्या है, वो क्यों कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स पर्सनल। उसके बाद थर्ड चीज आ गई है कि जब रैशनल कंपोनेंट आ गया है तो जो उसके बाद फिफ्थ जो डेवलपमेंट है, वो फिफ्थ डेवलपमेंट आ गई है कि अब हमारे पास हार्ट आ गया है, दिल आ गया है, इंट्यूशन आ गई है, इंटेलेक्ट आ गया है। तो अब हम रिग्रेटफुल, यानी कि अब हम बता सकते हैं कि कोई काम हमें क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, दिल से क्या ये काम करना ठीक है, क्या ये काम करने से मेरे को अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, क्या ये हायर लेवल पे क्या ये चीज करनी चाहिए हमें। तो छोटे से बड़े क्वेश्चंस की जो क्षमताएं हैं वो बेसिकली हार्ट, इंट्यूशन, इंटेलेक्ट, यानी कि सेल्फ में उसको हम कहेंगे रिग्रेटफुल। हार्ट में कहेंगे कि वो स्पिरिचुअल हार्ट का लेवल आ गया है अब, और सोल का मतलब अब वो जो व्यक्ति जो पहले ह्यूमन था सिर्फ, अब वो इंडिविजुअल होना शुरू कर रहा है, यानी कि अब वो अपने आप को थोड़ा सा पहचानना शुरू कर रहा है और वो समझ रहा है कि वो कैसे बाकियों के साथ में एक यूनिट है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है, दैट इज ट्रूथ और इनर कॉन्शियसनेस का, यानी कि अब जैसे जैसे एक व्यक्ति के अंदर इंट्यूशन, इंटेलेक्ट, हार्ट डेवलप हो रहा है, फिर वो नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर जाता है, जहां पे वो अवेयर होता है कि शायद उसके अलावा भी कुछ है जिसका वो केवल एक हिस्सा है। तो सेल्फ में उसको हम कहेंगे कि इंस्पायर्ड सेल्फ जो उस सच्चाई को ढूंढना चाहती है। हार्ट में उसे कहेंगे हम इनर हार्ट, यानी कि एक दिल जो अंदरूनी देखना चाहता है, वो बाहरी चीजें नहीं देखना चाहता, अब वो अपने अंदर देखना चाहता है। सोल में हम कहेंगे दैट सीक्रेट, नाउ ही वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड द सीक्रेट्स ऑफ द सोल। फाइनल जो चीज आती है वो आती है यूनिटी, नॉसिस, इनर मोस्ट कॉन्शियसनेस। सेल्फ में हम उसे कहेंगे सिक्योर या सर्टेन, हार्ट में उसे कहेंगे इनर मोस्ट हार्ट, रूम में कहेंगे सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स, यानी कि ये वो जोन है जहां पे अब हमने वो डिवाइन को, उस हायर कॉन्शियसनेस को समझ लिया है, देख लिया है, अब हम जानते हैं कि कुछ वैसा है और अब हमें उस तक जाना है, उससे मिलना है। तो यह आगे लास्ट वाला, जहां पे हम उस अंडरस्टैंडिंग के पास बहुत ज्यादा पहुंच जाते हैं या बहुत नियर पहुंच जाते हैं। उसके बाद ये कुछ बेसिकली पॉइंट्स मैंने लिखे थे जो मुझे आर्टिकल्स में से लगा कि कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैं इकट्ठा कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं तो पॉइंट्स निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप पढ़ सकते हैं।